हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैंने वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा बहुत कंप्लीट कर दिया है। रात को भी बैठ के थोड़ा कटिंग किया था और सुबह जल्दी उठ के भी कटिंग कर लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम बच जाएगा। मैंने जो कटिंग किया था, देखो कितना गंदगी फैल जाता है उसको कटिंग करने में। तो मैं सुबह से 4 बजे से लग गया था इसको करने में, कि इसमें बहुत समय लगता है कटिंग करने में। तो मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठ के 4 बजे इस चीज़ को मैं कट करके, थोड़ा रह गया है मेरा। मगर एक गलती हो गई कि मैं जब कल मैं जब थर्माकोल लेने गया था, इस चीज़ को लेने गया था, मगर मैं ये भूल गया कि मैं ग्लिटर लाना भूल गया। तो अभी कुछ नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी फटाफट ग्लिटर लेके आता हूँ, फिर काम को शुरू करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगा और कैसा लगेगा। चलते हैं अब ग्लिटर लेने, ताकि तो फ्रेंड्स चलते हैं सामान लेने, फटाफट लेके आते हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कहते ना कतई भाई ये ट्रक वाला देख कैसे चला रहे हैं गाड़ी। देखो ये मतलब पूरा रोड घेर के चलते, पूरा बस पास में है दुकान आने वाला है, बस फटाफट लेके चलते घर को। वही वाला शॉप जहाँ से मैं कल थर्माकोल ले गया था, फिलहाल यहीं से ही लेने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ मिल जाए। दिखाना ज़रा, सिल्वर में दे दो मुझे ज़रा। हाँ तो चांसेस मुश्किल ही लग रहे मुझे कि वो कलर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करके देना है। टाइम बहुत हो रहा है, अभी तक भैया आए नहीं। कहाँ गए भैया जी, फटाफट आ जाओ, टाइम लेट हो रहा है। ये भैया कहाँ चले गए। तो निकलते हैं अब घर की ओर। फाइनली मुझे मिल चुका है ये ग्लिटर कलर जो मुझे चाहिए था, बहुत ही ज़रूरी था जो, तो मैं आज जाके लेके आ गया उसको। तो करता हूँ अपना शुरू काम, और जो मेरा बचा हुआ कटिंग है वो भी फटाफट करता हूँ, फिर आपको शो अप कर देता हूँ कि मतलब वो चीज़ कैसे लग रही है। फाइनली काम हो चुका है।
सो फाइनली मेरा ये प्रोजेक्ट का कलरिंग काम ख़त्म हो चुका है, पूरा अप टू डेट हो चुका है। अब बनाते हैं थर्माकोल। तो फ्रेंड्स ये है मेरा प्रोजेक्ट, तो आपको कैसा लगा ये? तो मतलब बड़े मेहनत के बाद आखिरकार ये मेरा बन ही गया। तो उसके साथ मैंने एक और बनाया था, जो दो प्रोजेक्ट मुझे दिए गए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।